नमस्कार, स्वागत है आपका केजीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबर की। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत जबलपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और विधायक मौजूद रहे। मंत्री राजवर्धन सिंह ने बैठक में संबंध में बताया गया कि यह बैठक समीक्षा बैठक थी, जिसमें शासन की तमाम योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। वर्तमान में सभी योजनाएं संचालित हैं और सरकार की मंशा सभी को इनका लाभ पहुंचाने की है। कुछ योजनाओं में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। प्रशासन अपने स्तर पर सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। स्वच्छता अभियान, आयुष्मान कार्ड में काफी अच्छे काम हुए हैं। प्रशासन को घर घर जाकर सर्वे करने और लोगों की योजनाओं को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक संजय यादव द्वारा बैठक का बहिष्कार करने के लिए सवाल पर उन्होंने कहा कि संजय यादव पुराने मित्र हैं, उन्हें मना लेंगे। स्वच्छता में जबलपुर के पिछड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सकारात्मक पहलू यह है कि प्रदेश में प्रदेश नंबर वन पर आया है और जहां भी गुंजाइश है वहीं सुधार कार्य किए जाएंगे। जनसेवा पखवाड़ा रखने का उद्देश्य यह है कि जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण क्या फैसले लिए गए हैं और क्या आज की बैठक? मूलतः समीक्षा बैठक थी, जहां हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, प्रशासन भी था। ये मॉनिटर हम ये कर रहे थे कि अभी तक जो हुआ है, कितने एप्लीकेशन आए हैं और कितनी जल्दी उनका निराकरण होना है। कुछ निराकरण हो भी गए हैं, कुछ पेंडेंसीज हैं। इसमें कुछ योजनाएँ जैसे कि इंडिया वन कार्ड, एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण योजना थी, वो लिस्टिंग में नहीं है। लेकिन इंडिया वन कार्ड आपको याद होगा, प्रवासी मजदूरों के जब विषय उठा था तो बहुत उपयोगी साबित हुआ था। ऐसे कुछ कुछ योजनाओं को उसमें और हम उस पर फोकस करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास है। आयुष्मान डेफिनेटली फोकस है। आयुष्मान फोकस इसलिए कि 5 लाख रुपया इलाज के लिए उपलब्ध होता है व्यक्ति को, तो उसको हम प्रायोरिटी पे लेके पूरा करने का प्रयास। फर्जीवाड़ा कैसे रोकेंगे? आयुष्मान में फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, अभी यहाँ जबलपुर में भी रेड पड़ी हैं, 2 डॉक्टर दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ कोई भी कमी कमजोरी आपके भी ध्यान में आती है, आप उसको स्पेसिफिक नोटिफाई करिए, प्रशासन को भी निर्देश है। जहाँ जहाँ गलत गड़बड़ियाँ होंगी वह निश्चित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने आज से कैंपेन शुरू हुआ है, प्रदेशव्यापी कैंपेन है। यहाँ भी शपथ ली आप लोगों ने? हम लोगों ने ली है, और मैं आप लोगों के माध्यम से विशेष तौर पे हमारी नौजवान पीढ़ी से आग्रह निवेदन करूँगा कि नशा मुक्ति हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नशे की लत से दूर रहें। कभी कभी मन में निराशा की भाव आना मानव स्वभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है, हताश निराश हमें कभी नहीं होना चाहिए। और युवाओं से इसलिए भी मेरा आग्रह है कि आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके, बहुत उम्मीद से, कितनी भी परिस्थितियों के बावजूद आपको पढ़ा लिखा के आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं। तो नशा मुक्ति एक अभियान है जो अहम है, और सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजागरण हो और हम नशा मुक्ति करने के लिए। महत्वपूर्ण क्या फैसले लिए गए हैं और क्या आज की बैठक? मूलतः समीक्षा बैठक थी, जहां हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, प्रशासन भी था। ये मॉनिटर हम ये कर रहे थे कि अभी तक जो हुआ है, कितने एप्लीकेशन आए हैं और कितनी जल्दी उनका निराकरण होना है। कुछ निराकरण हो भी गए हैं, कुछ पेंडेंसीज हैं। इसमें कुछ योजनाएँ जैसे कि इंडिया वन कार्ड, एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण योजना थी, वो लिस्टिंग में नहीं है। लेकिन इंडिया वन कार्ड आपको याद होगा, प्रवासी मजदूरों के जब विषय उठा था तो बहुत उपयोगी साबित हुआ था। ऐसे कुछ कुछ योजनाओं को उसमें और हम उस पर फोकस करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास है। आयुष्मान डेफिनेटली फोकस है। आयुष्मान फोकस इसलिए कि 5 लाख रुपया इलाज के लिए उपलब्ध होता है व्यक्ति को, तो उसको हम प्रायोरिटी पे लेके पूरा करने का प्रयास। फर्जीवाड़ा कैसे रोकेंगे? आयुष्मान में फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, अभी यहाँ जबलपुर में भी रेड पड़ी हैं, 2 डॉक्टर दंपत्ति गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ कोई भी कमी कमजोरी आपके भी ध्यान में आती है, आप उसको स्पेसिफिक नोटिफाई करिए, प्रशासन को भी निर्देश है। जहाँ जहाँ गलत गड़बड़ियाँ होंगी वह निश्चित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने आज से कैंपेन शुरू हुआ है, प्रदेशव्यापी कैंपेन है। यहाँ भी शपथ ली आप लोगों ने? हम लोगों ने ली है, और मैं आप लोगों के माध्यम से विशेष तौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी से आग्रह निवेदन करूँगा कि नशा मुक्ति हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नशे की लत से दूर रहें। कभी कभी मन में निराशा की भाव आना मानव स्वभाव है, लेकिन ऐसा नहीं है, हताश निराश हमें कभी नहीं होना चाहिए। और युवाओं से इसलिए भी मेरा आग्रह है कि आपके माँ बाप बहुत मेहनत करके, बहुत उम्मीद से, कितनी भी परिस्थितियों के बावजूद आपको पढ़ा लिखा के आपका उज्जवल भविष्य चाहते हैं।
तो नशा मुक्ति एक अभियान है जो अहम है और सभी से आग्रह कि ज़्यादा से ज़्यादा जनजागरण हो और हम नशा मुक्ति करने के अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।